हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो जो है वो बीएड सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल अपडेट से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी की टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसीज थी वो आ गई है, बल्कि उनके रजिस्ट्रेशन भी 29 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर इसी चीज़ को लेके जो बीएड के 18-20 वाले बैच के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वो ये वैकेंसी फिल करना चाहते हैं लेकिन वो फिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बीएड की फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है। और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आपको बीएड की फाइनल ईयर की मार्कशीट का होना ज़रूरी है। इसलिए वो बच्चे चाहते हैं कि उनका जो प्रैक्टिकल है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि इस वैकेंसी को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 27 नवंबर है। तो ये जो नोटिस है जो यूनिवर्सिटी ने कल जारी किया है उसी से रिकॉर्डिंग है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, कल का यूनिवर्सिटी का जो नोटिस है वो बीएड के सभी कॉलेजेस के लिए है। उसमें उन्होंने बीएड के प्रैक्टिकल से रिलेटेड डेट स्लॉट को जारी किया है। उसमें उन्होंने कुछ 7 से 8 डेट स्लॉट जारी किए गए हैं, और साथ ही कॉलेजेस से कहा है कि वो 7/11 यानी कि 7 नवंबर से पहले इन स्लॉट्स डेट स्लॉट में से कोई भी 2 डेट स्लॉट यूनिवर्सिटी को मेल कर दे। फिर यूनिवर्सिटी उस पर विचार करेगी, उस पर बात करेगी, चर्चा करेगी और उस कॉलेज को उन दोनों में से कोई भी एक डेट का स्लॉट दे देगी, जिससे कि उनके कॉलेज का प्रैक्टिकल हो जाए। गाइस, इसके लिए अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉलेज को प्रेशर बनाना है कॉलेज के ऊपर कि वो जो डेट स्लॉट है वो 11 से 12 वाला ले ले या फिर 18 से 19 वाला ले ले, ताकि जो प्रैक्टिकल है वो जल्दी हो जाए और थोड़े से चांसेस हों कि जो रिजल्ट है वो 27 नवंबर से पहले आ जाए। अगर 27 नवंबर से पहले आ गया तो हम जो अपनी वैकेंसी है वो फिल कर पाएंगे। इसलिए अब आप अपने कॉलेज पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कीजिए। साथ ही गाइस, हम यूपी गवर्नमेंट से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे, उसको 27 नवंबर से एक्सटेंड कर कर 10 दिसंबर कर दे। अगर वो 10 दिसंबर कर देती हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जितने भी बच्चे हैं 18 से 20 बैच वाले उन सभी के बीएड के रिजल्ट आ जाएंगे और वो फिर ये वैकेंसी फिल कर पाएंगे। चलिए गाइस, अब यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आउट करने पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो यूनिवर्सिटी है वो रिजल्ट आउट करती है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आउट करने का कोई भी एक सेट पैटर्न नहीं है। कभी तो वो सारे बीएड के जो कॉलेजेस हैं उनके प्रैक्टिकल फिनिश होने के बाद एक साथ आउट करती है, और कभी कभी वो जैसे जैसे प्रैक्टिकल होते जाते हैं वैसे वैसे आउट करती जाती है। तो गाइज, यहाँ पर हम होप कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है एक तो जल्दी प्रैक्टिकल करा दे और साथ ही जैसे जैसे कॉलेजेस के प्रैक्टिकल होते जाए वैसे वैसे रिजल्ट आउट कराती जाए। गाइज, नोटिस का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ जाकर नोटिस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। होप करती हूँ गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो के थ्रू आप लोगों को प्रैक्टिकल से रिलेटेड अपडेट मिली होगी। गाइज, नई जानकारी पाने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।